फ्रेंड्स, किसी ने कहा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। इसका मतलब है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव, इम्पॉसिबल ही लगता है, लेकिन जैसे ही उस काम को करने की हम ठान लेते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं और दिमाग पॉसिबिलिटीज तलाश लेता है। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे कोर्स की बात करने वाले हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। इस एक कोर्स को करने के बाद आपकी 2 से लेके 20 लाख पर एनम तक की जॉब आसानी से लग जाती है। बस जरूरत है इसको सही तरह से करने की और सही जगह से करने की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BBA कोर्स की, जिसको कि हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरीली आप क्या सीखते हैं BBA कोर्स को करने के बाद। क्या आपको सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि BA, BCOM, BSc छोड़ के BBA करना चाहिए या नहीं? व्हाट इज द राइट वे ऑफ टेकिंग एडमिशन इन BBA कोर्स? टॉप एंट्रेंस एग्जाम, पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस, उनका सिलेबस, टॉप कॉलेजेस, सैलरी, करियर एंड स्कोप, सभी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ साथ BBA को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स होते हैं, उन सभी को हम अपनी इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग कोर्सेज, कॉलेजेस एंड स्कॉलरशिप पर रेगुलरली वीडियो क्रिएट करते हैं। आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.vidhyaa.in vidya.in पर भी विजिट करके BBA कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं किस तरह का कोर्स है BBA। देखिए, BBA एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है। इस कोर्स को सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स आफ्टर पासिंग 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स ज्वाइन कर सकते हैं। BBA कंप्लीटली प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो आपको मैनेजमेंट एजुकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। इस कोर्स का मेन फोकस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करना होता है। BBA कोर्स में मैनेजमेंट के कोर एरियाज लाइक मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सच एज बिजनेस कम्युनिकेशन की डीप नॉलेज आपको मिलती है। BBA कोर्स में आपको लगभग सभी बिजनेस स्किल्स जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, जिससे आप बहुत अर्ली स्टेज में बिजनेस मैनेजमेंट की प्रोफेशनल स्किल एक्वायर कर सकते हैं। तो मन में अगर कंफ्यूजन है कि आप BBA करें या नहीं, तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, उसके सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड स्किल की डीप नॉलेज चाहते हैं, तो आपको ये नॉलेज, ये स्किल सिर्फ BBA कोर्स के थ्रू ही मिल सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ नहीं होता है या वो आर्ट्स से होते हैं, उनके मन में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या वो BBA कर पाएंगे या नहीं। तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट्स और स्किल बेसिक लेवल से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप अपना फोकस इनको समझने में लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से BBA कोर्स को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि BBA कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि BBA का ब्रॉडली क्या सिलेबस होता है। BBA कोर्स में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। जो हिंदी मीडियम या स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि ये सभी सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में है, तो वो कैसे कर पाएंगे। देखिए, अगर आप बेसिक लेवल की इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप पहले से ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग स्किल पे काम करेंगे, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि BBA कोर्स को ज्वाइन करने का सही तरीका क्या है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू टेक एडमिशन इन BBA कोर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने सभी वीडियोस में बोलता हूं कि आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कोर्स के टॉप 50 कॉलेजेस के एडमिशन क्राइटेरिया को जरूर समझें एंड उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करें। तो
अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से बीबीए करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही मिल सकता है। एंट्रेंस एग्जाम से बिल्कुल भी मत डरें, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं उसके बहुत से फायदे होते हैं। जैसे आपको अपनी स्किल या नॉलेज का आइडिया एंट्रेंस के थ्रू बहुत आसानी से लग जाता है। आपको टॉप कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन का मौका मिलता है जिसकी फीस भी बहुत कम होती है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको एजुकेशन लोन मिलने में भी काफी आसानी होती है। फ्रेंड्स, अब हम बीबीए कोर्स के लिए इंडिया के कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले आईमा यूगेट, जिसका कि पूरा नाम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है। अगर आपकी इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक आ जाती है तो आपको इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस में बहुत आसानी से एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट आप DUJET, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, IP यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, NPAT विच इज नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th, और इसके अलावा IPMAT विच इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में भी ट्राई कर सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपको IIM इंदौर या IIM रोहतक में भी एडमिशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस एग्जाम की डिटेल वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाएं। काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीबीए एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। इसमें पहला सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का, दूसरा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, तीसरा सेक्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज का, और चौथा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि बीबीए हमें किसी स्पेशलाइजेशन से करना चाहिए या हम नॉर्मल बीबीए भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर स्पेशलाइजेशन हैं जिनको आप बीबीए कोर्स को करते समय चूज कर सकते हैं। बीबीए के कुछ मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन हैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा आप मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन के साथ भी बीबीए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सभी स्पेशलाइजेशंस के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आप किस स्पेशलाइजेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो आपके लिए हम जल्दी से जल्दी बनाएं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बीबीए के बाद एमबीए करना कंपलसरी होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बीबीए कोर्स किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से करते हैं तो बीबीए कोर्स के बाद भी आपको एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छी जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। बट यस, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में एक अच्छी प्रोफाइल और एक अच्छी सैलरी चाहते हैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी कि आप बीबीए के बाद एमबीए भी जरूर करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बीबीए कोर्स के करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बीबीए कोर्स को करने के बाद ही मिल सकती हैं। बीबीए कोर्स को आप किसी भी कोर्स के साथ 3 कॉमन पैरामीटर पे कंपेयर कर सकते हैं। पहला है इस कोर्स के बाद मिलने वाली मल्टीपल प्रोफाइल्स, दूसरा है इस कोर्स की नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब्स, और तीसरा है इसकी सैलरी ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 2-20 लाख तक की जॉब मिल सकती है, और वो डिपेंड करता है आपने इस कोर्स को कैसे किया है और कहां से किया है। फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर हैंडलिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, और इन सभी प्रोफाइल्स के लिए कंपनीज ज्यादातर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ही हायर करती हैं। तो अगर आप बीबीए कोर्स को करने की सोच रहे हैं तो इस कोर्स को कॉन्फिडेंटली जरूर करें। बस ध्यान ये देना है कि इंडिया के बेस्ट कॉलेज से करें और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लें। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि बीबीए के बाद बैंकिंग सेक्टर जैसे कि बैंक पीओ या सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर सकते हैं नहीं, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप 100% ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बीबीए कोर्स के कुछ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। इसमें IIM इंदौर, सुखदेव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,
IIM Rohtak, Narsee Monjee Institute of Management Studies, Christ University, Symbiosis Pune, IP University, Nirma University, Jamia Millia Islamia University, Mount Caramel Bangalore और Loyola College of Chennai में भी try कर सकते हैं। अगर आप किसी भी college के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो हमें comment box में लिख के जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस college की video आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाएं। Friends, अब हम बात करते हैं BBA course के fee structure की। वैसे तो इसका fee structure college to college vary करता है, but अगर आप BBA course किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस अप्रॉक्सिमेटली 15,000 पर एनम से लेके 25,000 पर एनम तक की हो सकती है, लेकिन अगर आप बीबीए कोर्स किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फीस 1.5 लाख से लेके 4 टू 5 लाख पर एनम तक की हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप कि हमने अपनी इस वीडियो में बीबीए कोर्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है और आप लोगों के सभी डाउट्स और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपके क्वेश्चंस का जरूर और जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.vidhyaa.in vidya.in पर विजिट करके बीबीए कॉलेज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे कि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।